हाय दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम दाल की पूरी बनाएंगे, जिसे पूरन पोली भी बोला जाता है। हम सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। 5-6 कली लहसुन की, थोड़ा सा जीरा, धनिया, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी, आटा छान करके रख लिया है और चने की दाल। गैस को ऑन करेंगे तेज फ्लेम में और इसको ढक देंगे। ये ढक करके रख देंगे, पानी अच्छा तेज गर्म हो जाएगा। इसके बाद इसमें दाल डालेंगे। देखेंगे पानी गर्म हो गया है कि नहीं। ये देखिए पानी गर्म हो चुका है। पानी गर्म होने में 5 मिनट लगे हैं। ये दाल है, दाल को हमने धो लिया है 2-3 पानी से अच्छे से। अब हम इसे इसमें डालेंगे। चने की दाल दब रही है इस तरीके से, इसका मतलब ये पक चुकी है। अब हम इसे एक बर्तन में छान लेंगे। ये दाल को छान करके रख लिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होगा, जब तक हम मसाले की तैयारी करेंगे और गैस को ऑन करेंगे तेज फ्लेम में और तवा को गर्म होने देंगे। ये तवा हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम धनिया डालेंगे। धनिया थोड़ी सी ली है, इसको सेंकेंगे इस तरीके से। ये धनिया हमारी पककर तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देंगे और इसके गैस की फ्लेम को धीमी रखेंगे और ये जीरा डाल देंगे। इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। हमारा पक गया है, गैस को बंद करेंगे और इसको निकाल लेंगे। ये एक स्पिंच हींग, बिल्कुल थोड़ी सी हींग है। इसको बिना गैस जलाए ही तवे पे ऐसे सेक देंगे। गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तवा हमारा गर्म है। ये हमारा मसाला सेक करके तैयार हो गया है। अब हम इनको पीसेंगे। अब हम इन लहसुन को भी पीस लेंगे। दाल हमारी ठंडी हो गई है, अब हम इसे भी पीस करके तैयार कर लेंगे। एक बड़े बर्तन लेंगे, उसमें अपना ये सब डालेंगे। ये हमारी दाल पीस गई है, सब मिक्स करेंगे। ये धनिया, जीरा और हींग और लहसुन सब इसमें मिला देंगे एक साथ। ये हल्दी डालेंगे, 1/3 चम्मच लिया था। 1/2 चम्मच नमक, नमक स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। मसालों को मिक्स कर लेंगे। मिर्ची डालेंगे थोड़ी सी, मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। ये दाल में हमने सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं। मिक्स कर ये तैयार हो गया है अच्छे से। अब हम बनाना शुरू करते हैं। हम आटे को लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं डाला है, नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है, क्योंकि हम पूरन में नमक डालेंगे। ये आटा हमारा लग करके तैयार हो गया है। चकला लेंगे और इसमें इसकी लोइयां बनाएंगे। इसको ऐसे थोड़ा आटे को और ये इस तरीके से लोइयां बनाएंगे। लोई आप अपने हिसाब से बना सकती हैं, छोटी और बड़ी। ये देखिए मैं इतनी बड़ी लोई बना रही हूँ। तवा रखेंगे और गैस को चला देंगे, ऑन करेंगे तेज फ्लेम में। जब तक तवा गर्म हो रहा है, जब तक हम पूड़ी बेल लेते हैं। सारी लोइयां तैयार हो गई हैं। हम इसको इस तरह से करेंगे और इसको इस तरीके से कुछ आएंगे ऐसे, और इसमें अपना वो भरेंगे जो हमने बनाया है दाल का पूरन। पूरन डालेंगे, 1 चम्मच डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। ये इस तरीके से हम बराबर से इसको बैठा देंगे ये, और ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा ये आटा है, इसको हम निकाल करके रख देंगे इधर। थोड़ा सा पत्थर लगाएंगे और इसको इस तरीके से दबा देंगे। फिर पत्थर लगा करके इसको इस तरीके से कुछ आएंगे ये हल्के हाथों से, और अब बेलना शुरू करेंगे। ये हमारी पूरी बेल करके तैयार हो गई है। ये देखिए इतनी बड़ी बनी है। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बेल सकती हैं।
ये तवा गरम हो गया है, इसमें अपनी पूरी डालेंगे जो बेल करके तैयार करी थी। इसे पलटाएंगे इस तरीके से और इसमें तेल लगाएंगे। हम सरसों का तेल का यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो घी का या आप जो खाते हैं खाना पसंद करते हैं उसका यूज कर लीजिए, लेकिन सरसों से तेल की बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनती है इसलिए हम सरसों का तेल भी यूज करते हैं। तो पलटा लेंगे, इधर ही तरफ बराबर से तेल लगा लेंगे इस तरीके से। तो हम धीमी आंच पे इसको सेकेंगे बराबर से। ये देखिए हमारी पूरी सेक करके तैयार हो गई है, दोनों तरफ सिक गई है अच्छे से। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को तैयार कर लेंगे। ये हमारी नमक वाली पूड़ियाँ बन करके तैयार हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं और ये आम रस के साथ बहुत टेस्टी लगती हैं। इसे आप दही के साथ खा सकते हैं, इस तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में, बहुत अच्छी होती हैं।